गुड मॉर्निंग कपू, गुड मॉर्निंग हरन, गुड मॉर्निंग कबूतर, गुड मॉर्निंग हड्डी, पड़ो गुड मॉर्निंग, रॉकेट गुड मॉर्निंग, उड़ जा, कपू गुड मॉर्निंग, और यहाँ पर है हमारी बुच्ची, बुच्चा गुड मॉर्निंग, और ये है हमारे तो चिंटू मुंटू, गुड मॉर्निंग उड़ जा, गुड मॉर्निंग बिंदु, उड़ जा बिंदु, उड़ जा, ये सभी लोग उड़ गए हैं। नीदू, ये हमारा रॉकेट है, बहुत ही अच्छा रॉकेट है। इसकी शिंग आजकल कितनी बड़ी हो रखी है, ये सबसे छोटा है और सबसे हेल्दी। और बड़ी उड़ जा, गुड मॉर्निंग बड़ू, उड़ जा, गप्पू, बस बड़ों की मुझे कान पसंद है। और ये देख सकते हैं सभी लोग अपनी मम्मा के वहाँ पे बैठे हैं। ये इसकी मम्मा है और ये इसकी मम्मा है और ये दो इसकी मम्मा है और यहाँ पे ये और बुज्जा हमारे ब्याहने वाली है, अभी इसका कोई बीबी नहीं हो रखा है। और है हमारा चन भाई, गुड मॉर्निंग लखड़न भी उड़ गया है, गुड मॉर्निंग लखड़न। हम आपको दिखाएंगे कट्टू के गम्फूट कितने प्यारे प्यारे हैं, और इसकी अम्मा लेके आई है। और ये है हमारा कार्तिक जो कि गया था अपने ननिहाल। कार्तिक ने अपनी मम्मा की बिंदी भी लगा रखी है, ओ जा ये खाठू। कार्तिक के गर्ल मोटल गाल देख सकते हैं आप, ओ हो ऐसी कर खट्टू कर दी सिद्धि करने के ने कार्तिक। क्रिश हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज ब्लॉग कुछ स्पेशल होगा क्योंकि आज आए हैं पापा, और ये है पीछे से भावना, ये है कल्पना जिसने हेडफोन लगा रखे हैं, माइंड रिलैक्स वाला सॉन्ग सुन रही है कल्पना। कल्पना दर्शकों को अपनी शक्ल दिखाइए प्लीज। कल्पना शर्मा रही है और ये भावना है। हेलो भावना, हाय आपको पापा से, जो कि यहाँ पे पापा के मतलब दीदी के लैपटॉप में वो मूवी देख रहे हैं। तो ये हैं अपने पापा। हेलो गाइस बोलिए पापा। आज पापा यहाँ हल्द्वानी आए, तो पापा कैसे लग रहा है हल्द्वानी? बहुत बढ़िया। बढ़िया ओके, ठंडा हुआ है क्या? हाँ आज पापा बोल रहे हैं हल्द्वानी में बहुत ठंडा हुआ है। और ये है भावना जी का लैपटॉप जिसमें पापा अभी मूवी देख रहे हैं। ये देख रहे हैं हाउसफुल, धमाल वाली मूवी देख रहे हैं, जो भी है कोई नहीं। पापा क्यों आए हैं ये भी बता दे। पापा को भैया की याद आ रही थी, झूठ बोल दी। पापा को मेरी याद नहीं आती है, बहुत कम याद आती है, तभी तो पापा मुझसे बात भी नहीं कर रहे। क्यों पापा क्यों आए हो, याद आ रही थी ना इसकी? क्यों नहीं आ रही सारी की याद? हाँ देखा, पापा मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, ऐसा भी कह भी नहीं सकते। और ये अभी यहाँ पर भावना प्याज आज काट रही है, भावना बोला है, भावना भ्याज अभी यहाँ पर प्याज काट रही है। ये है भावना ने जो अभी प्याज काट रखा, और यहाँ पे मिक्सी में दिखा दो भावना इसको, मेरे दर्शकों को दिखाइए जरा आपने मिक्सी में क्या बना रखा है। तो भावना ने क्या बना रखा, चटनी बना रखी है अभी मिक्सी में। चटनी नहीं है ये गाइस, वो है क्या है मतलब मसाला है। हम तो भाई वैसे हम इसे चिनाने में कद्दू बोलते हैं, बट कोई नहीं अभी वो क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा, उसने हेडफोन लगा रखे हैं, बट मुस्कुरा रहा है, सुनाई दे रहा है उसको, उसने आवाज कम कर रखी है। अरे भावना भी आज पर देखिए, हाय क्या हाय। हेलो गाइस बोलिए। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं मुझे भावना बोल रहा है, ये उल्लू उल्लू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बता? आउल। आउल मींस उल्लू, उल्लू तो ही है। तो गाइस भावना हमारे यहाँ की उल्लू है, क्योंकि तभी तो ये रात को ड्यूटी जाती है, दिन में नहीं जाती है, रात को जाती है, रात को क्योंकि इसकी आंख चलते हैं गाइस। दिन में दिखाई नहीं देता, दिन में इसको दिखाई नहीं देता है। अच्छा, अरे ब्याज टाइप की है यार ये। और ये उल्लू है भाई। तो गाइस देख सकते हैं हम यहाँ पे दोनों बहनें एकदम मिलजुल के काम कर रही हैं। कल्पना बना रही है रोटी और अभी हेडफोन लगा के। कल्पना कैसा लग रहा है, माइंड रिलैक्स सॉन्ग सुन के। और यहाँ पे भावना है जिसने यहाँ पे मिक्सी रखी है, इसमें इसका बनाई की पिस्सू बना भी दिया। कहाँ बनाए? और ये भैया है हमारा, ब्लॉग बना रहा था, इसको शर्म लग रही थी पापा का ब्लॉग बनाने में। पापा यहाँ पर आराम से बैठे हैं, देख सकते हैं आप, पापा यहाँ पर मूवी देख रहे हैं, धमाल वाली ये
अब आप सबको हेलो बोल दो। हेलो। और मैंने यहाँ पर मसाला बना लिया, ये प्याज टमाटर मिक्स करके और थोड़ा फ्राई करने के लिए है। फ्लिपकार्ट से मंगाया है। अगर आपको भी लेनी हो तो हमसे संपर्क करें। ये और यहाँ पर बन रही हैं रोटियाँ। रोटियाँ इंट्रोडक्शन करा चल उसका। शर्मा गई रे भाई। तो गाइस कल्पना ने यहाँ रोटी बना दी है ज्यादा ज्यादा क्योंकि यार पापा आए हैं। और हमारा एक संदेश और है। क्या संदेश है? वीडियो को कम हिलाया करो। और पहले का ब्लॉग आपका बहुत क्लीन बनता था और अब फटने लग गया आपका ब्लॉग। थोड़ा नेट में कंजूसी ना करे। इन्हें नेट में कंजूसी कर दी। नेट में कंजूसी कर दी है। गीता 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 मैडम से एक मैसेज है, कृपया आप रिचार्ज करना सीख ले। रिचार्ज करना सीख ले। खाली नेट पैक ही नेट पैक दिया दो तीन दिन का बस। दो ढाई सौ का रिचार्ज कराया पूजा के उसमें। और उसमें कितने जीबी डाटा था? बस 2 से 3 GB था, बाकी नहीं था उसमें। गीता जी और मेरे हाथ पे ज्यादा क्या कर रही है। रिचार्ज करना सीख ले। रिचार्ज करना सीख ले। सभी से हमारा निवेदन है कि पूजा पहाड़ी के उसमें एक एक बारी बारी करके रिचार्ज करे। क्यों? हाँ पूजा पहाड़ी थोड़ा अच्छा भी के लिए मैसेज है। आशा भिष्टी के लिए मैसेज है, ज्यादा पैसे ना कमाए ठीक है, हानि कर रहे हैं। तो पूजा पहाड़ी सुन लो कैसे बनाते हैं ब्लॉग, हम बता रहे हैं आपको ऐसे बोलना ठीक है। फ्रेंकी बोलना है और अपना ये फेस दिखाना है, बैकग्राउंड मत दिखाना ठीक है। पूजा पहाड़ी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहते हैं। कॉमेडी भी ज्यादा जरूरी है। और ब्लॉग कैसे बनाते हैं चेहरा भी दिखाया जाता है। चेहरा दिखाओ हमारा जरा। ये चेहरा भी दिखाया जाता है। और ब्लॉग बनाते हो तो 5-5, 6-6 करो को एक बार नहीं दिखाया करो, हर चीज दिखाया करो ठीक है। तो जैसे हम बना रहे हैं अभी देखो पापा कितने मजे से लैपटॉप में मूवी देख रहे हैं। और क्या तुमने कभी देखी है ऐसी मूवी है? कभी नहीं देखी है। आराम से बस फोन में लगे रहते हो, फोन का यूज करना हमसे सीखो ठीक है। ऐसे जा पहाड़ी। और तुम्हारे लिए हमने सेल्फी स्टिक खरीद किया, अभी हम सेल्फी स्टिक में ही बना रहे हैं ब्लॉग ठीक है।